फ्रेंड्स, पिछले भाग में मैंने कर्निंग के बारे में बताया था, इंटरलेटर स्पेसिंग के बारे में विजुअली, जो ये गैप कैसे हम ठीक करते हैं। आज मैं आपको उससे आगे की जानकारी दूंगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक ड्राइंग शीट जिसका साइज होता है हाफ इंपीरियल साइज शीट जो होती है 15 इंचेस बाई 22 इंचेस हाफ शीट, तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर 15 बाई 22 इंच की शीट ली है। मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि कहाँ कितनी स्पेसिंग रख के हम ये लेटर्स या स्लोगन लिखेंगे और क्या क्या दिक्कतें इसमें आती हैं लिखने में। कई बार स्लोगन बड़ा होता है तो ये जो स्पेस है यहाँ से बाहर लेटर्स जाने की संभावना रहती है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, ये पूरी ड्राइंग शीट है, मैंने यहाँ साइज लिखा हुआ 15 इंचेस हाफ शीट्स विड्थ, और ये जो लाइन है बारीक सी आप देख रहे हैं, ये आपकी ड्राइंग शीट है, और यहाँ से मैंने 1 बाई 1 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है। ये आप भी ऐसा ही करेंगे, पोस्टर बनाते समय आप यहाँ से एक बॉर्डर लाइन लगाएंगे, जैसे ये जो फाइनल हमारा येलो कलर वाली जो है, ये हमारी फाइनल जो पोस्टर जिसमें हमने बनाना है, और बीच में जो है हमें यहाँ से बॉर्डर लाइन से भी कुछ मार्जिन लेकर चलना पड़ता है, जैसे ऊपर से भी और लेफ्ट से भी। अगर हम लेफ्ट अलाइन करके ये स्लोगन लिख रहे हैं, लेफ्ट लाइन का मतलब आपको यहाँ से सारे लेटर्स यहीं से शुरू करने हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करने हैं, और इधर चाहे फिर जितना भी चला जाए स्लोगन हमारा, उसे भी हमें कंपोज कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये कर्निंग मैंने की हुई है, इनके अंदर जो कर्निंग है, जो स्पेसिंग है लेटर्स की, मैंने एडजस्ट किया हुआ है इसे। अभी दोस्तों ये जो है, जो विड्थ है इसकी 3 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, ये जो हाफ शीट पर हम पोस्टर बनाते हैं उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से अभी ये ठीक है। हमें एक इलस्ट्रेशन यहाँ लेनी है, या ऊपर लेंगे, या इसे हम नीचे कंपोज करेंगे, वो बाद में है, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस लेटर्स के बारे में आपको और जानकारी दे रहा हूँ। अगर ये स्लोगन अभी तो देखिए ठीक है, ये स्लोगन छोटा है, अगर ये स्लोगन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सपोज मेरा स्लोगन है सेव वाटर सेव लाइफ, और अगर मैं इसे यहाँ पर सपोज यहाँ रख देता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आर बिल्कुल इसके नजदीक लग गया, जो कि ठीक नहीं है, और हम इसे थोड़ा सा छोटा कर दें या कंप्रेस कर दें तो ये और बढ़िया हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग या ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर स्पेसिंग की जरूरत है, और हम इसे करने के लिए, अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं इसे इस तरह से लिख पाऊं, थोड़ा सा इसे हम कंप्रेस कर दें, स्लीक कर दें। अब ये थोड़ा सा हैवी है, अगर आपने हैवी लेटर्स लिखने हैं तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर स्लोगन छोटा है हमारा, कर्निंग करने के बाद यहां से भी जो स्पेसिंग करने के बाद, और अगर हमें ये भी लिखना आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पोस्टर के लिए जो हमें राइटिंग आ जाएगी, जिसमें कि एक हमारा जो स्लोगन है बड़ा होगा तो हम उसे कंप्रेस करके लिख पाए। ठीक है, इसमें इस टाइप से कंप्रेस्ड राइटिंग हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं।